सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी की सारी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। स्ट्रॉबेरी स्मूदी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता दीदी कुकिंग चैनल। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी स्मूदी। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक या किसी भी मिल्क शेक को थिक बनाने के लिए हमें वनीला आइसक्रीम का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है। तो आज मैंने इस रेसिपी में वनीला आइसक्रीम का इस्तेमाल नहीं किया। तो चलिए जल्दी से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की इस वीडियो रेसिपी पे नजर डाल लेते हैं। स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिएगा फुल क्रीम दूध, 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज, 1 केला, 2 टीस्पून चीनी। तो सबसे पहले हम 1 ग्लास दूध को एक बोल में रख के 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख देंगे। इस समय ये बिल्कुल प्लेन दूध है, इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया है। दूध को हम इसलिए जमा रहे हैं ताकि हमें वनीला आइसक्रीम का इस्तेमाल ना करना पड़े और हमारी स्मूदी काफी थिक और क्रीमी बने। 3 घंटे हो चुके हैं और ये हमारा दूध हल्का फुल्का जम गया है। क्योंकि हमने इसको केवल 3 घंटे के लिए फ्रीज किया था तो ये पूरी तरीके से नहीं जमा होगा। तो अब हम इसमें चाकू से कट के निशान लगा देंगे ताकि हमें जितना इसको यूज करना हो उतना हम यूज करें और बाकी का दूध हम फिर से फ्रीजर में रख देंगे अगले दिन की स्मूदी के लिए। तो चलिए स्मूदी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सभी चीजों को बहुत ही कम दूध में पहले ग्राइंड करना होगा। तो इसके लिए मैंने मिक्सी में केवल 2 टेबलस्पून दूध डाला है अभी, और अब हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरीज। शुरू में हम इनको कम दूध में इसलिए ब्लेंड करते हैं ताकि सभी चीजें स्मूथली ग्राइंड हो जाएं। अगर आप अभी से ही ज्यादा दूध डाल देंगे तो ये सभी चीजें स्मूथली ग्राइंड नहीं हो पाएंगी। अब हम इसमें चीनी, केला और जमा हुआ दूध डाल के तब तक ग्राइंड करेंगे जब तक हमारी सभी चीजें स्मूथली ग्राइंड नहीं हो जाती। हमारी सभी चीजें एक साथ पिस के तैयार हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना थिक और क्रीमी है। तो अब हम इसमें डालेंगे बाकी बचा हुआ दूध और एक बार फिर से सभी चीजों को एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। और ये हमारी परफेक्ट स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनके तैयार है। तो चलिए इसे सर्व भी कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए एक स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से बीच में से काट के लगा देंगे और अब हम इसमें लगाएंगे स्ट्रॉ एंड एंजॉय। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको कौन सा मिल्क शेक सबसे ज्यादा पसंद है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल के कुछ और वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।